आज हम लोग फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आपको एक बार फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं कि लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ था। तो बेटा आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अगर पढ़ा हुआ था कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और रखने के बाद उसको घुमाते हैं तो उस पर मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला पड़ा था और डिफरेंट टाइप की कंडीशंस भी हमने वहां पर देखी हुई थी। इसी चैप्टर में डायपोल से रिलेटेड हमारा एक नया टॉपिक है आज, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या डायपोल के पास, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके पास एनर्जी होती है या नहीं होती है। इस चीज को आज हमें स्टडी करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं बेटा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल को रखते हैं, आपको याद होगा लास्ट क्लासेस में जो ये फिगर बनाया गया है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इसमें अगर मैं कोई भी डायपोल रख देता हूं, जैसे मैंने एक डायपोल यहां पर रख दिया, इसको यहां से हटा देते हैं, मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इसमें अगर मैं कोई भी डायपोल रखता हूं जाकर के, जैसे मैंने एक डायपोल यहां पर रखा, तो ये डायपोल हमेशा ही ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है और टोटल जो डिस्टेंस है इनके बीच की ये 2L है। अब आप सभी बच्चे जानते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं जाकर के, तो हमने देखा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और मैं इस डायपोल को ऐसे 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 कैसे भी मैं रख देता हूं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक डायपोल हर बार मैं जैसा भी रखूं पर ये हर बार घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लेता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को रख देने के बाद हर बार आप चाहे जिस कंडीशन में उसको रखें, हर बार उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अपनी ओर अपने आप को अलाइन कर लेना, ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। मैं अगर ऐसा रखता हूं तो भी वो घूम के ऐसा हो जाता है, मैं अगर उसको ऐसा रख देता हूं तो भी वो घूम के ऐसे हो जाता है, मैं परपेंडिकुलर रखता हूं तो भी घूम के ऐसे हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा भी तिरछा रखता हूं तो भी वो घूम के ऐसा हो जाता है। अब ये चीज ने हमको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया। इससे जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड मैं एक नियम और आपको बताना चाहता हूं, शायद सभी बच्चों को याद भी हो और नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि बेटा इस दुनिया में हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु सदैव उस स्थिति में रहना पसंद करती है जिसमें उसका एनर्जी लेवल, जिसमें उसको सबसे कम ऊर्जा लगती है। फिर से मैं बता दूं, इस दुनिया का एक फंडामेंटल लॉ है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा ही उस स्थिति में रहना पसंद करती है, उस कंडीशन में रहना पसंद करती है जिस कंडीशन में रहने से, जिस पोजीशन में रहने से, जिस स्थिति में रहने से उसको कम से कम एनर्जी लगती है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं हमेशा देता रहता हूं आपको एग्जांपल कि मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप सोच सकते हैं कि अगर मैं अर्थ से, पृथ्वी से इतना ऊपर उठाया है मैंने तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, या अर्थ पे मैंने इसको रख दिया है तो एनर्जी ज्यादा है। फिर से, अर्थ से इतना दूर मैंने उठाया, इसके पास उस वक्त ऊर्जा ज्यादा है, या मैंने अर्थ पे डाल दिया तब इसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो सभी बच्चों का कहना होगा कि जब ऊंचाई पर है, अर्थ से थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो इसकी ऊर्जा उस समय से, इसकी एनर्जी से ज्यादा होगी जब हम इसको अर्थ पर रख देंगे। तो हमने इसको फ्री कर दिया कि जाओ,
तुमको जहां भी रहना है रहो। हमने जैसे ही इसको छोड़ा तो हमने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पर रहना पसंद नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे रहना पसंद करता है। आप सोचिए, यहां पर रहने से इसकी एनर्जी ज्यादा थी, अर्थ पर रहने से इसकी एनर्जी कम थी। इसने कहां रहना पसंद किया? इसने वहां रहना पसंद किया जहां इसकी एनर्जी कम है। डायपोल के केस में भी हम यही बार बार देखते हैं कि डायपोल को जब भी आप जिस दिशा में भी छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जाकर के अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही दिष्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही अपने आप को अलाइन कर लेता है। अब यहां से हमको एक बात समझ में आती है कि बार बार अगर ये डायपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, क्यों कर लेता है? जाहिर सी बात है, इस दिशा में रहने से, इस स्थिति में रहने से उसको सबसे कम ऊर्जा लगती होगी। इस कंडीशन में, इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहने से उसको सबसे कम एनर्जी लगती होगी। ये उसका सबसे कम एनर्जी का लेवल होगा, ठीक है? अगर ये उसका सबसे कम एनर्जी होगी तो कितनी होगी? क्या ये एनर्जी जीरो होगी या कुछ और होगी? यही हमको कैलकुलेट करना है। एक बात तो सबको क्लियर हो गई कि अगर डायपोल को जैसा भी हम छोड़ दें, बार बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डायपोल की ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, इसमें उसकी एनर्जी सबसे कम रहती होगी, सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में रहना उसको सबसे ज्यादा पसंद है। और किसी भी वस्तु को अपनी कम एनर्जी वाली स्थिति में रहना सबसे ज्यादा पसंद होता है। अभी मैंने एक एग्जांपल भी आपके सामने पेश किया, तो ये उसका एनर्जी का सबसे कम एनर्जी वाली स्थिति होगी। अगर ये सबसे कम एनर्जी वाली स्थिति है तो क्या वो कम एनर्जी जीरो है या वो कम एनर्जी कुछ और है? ये हमको कैलकुलेट करना है कि डायपोल जिस समय अपनी इस अवस्था में रहता है, आपको याद होगा बेटा, इसे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बोले थे, स्थायी संतुलन की अवस्था भी बोला गया था। तो इस अवस्था में रहने से उसकी ऊर्जा सबसे कम है। यही कैलकुलेट करना है कि क्या ये एनर्जी जीरो है या कुछ और है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? तो बड़ा सिंपल सा है, इस कंडीशन में डाइपोल को लाने के लिए हमको कैलकुलेट करना है इस कंडीशन में एनर्जी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका जवाब सुनिए, हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि हम इस कंडीशन में डाइपोल को लाने के लिए, जिस कंडीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, इस कंडीशन में डाइपोल को लाने के लिए क्या हमें इस पर कुछ वर्क करना पड़ता है? हम ये कैलकुलेट करेंगे कि डायपोल को उसकी स्थायी संतुलन की अवस्था में लाने के लिए कितना कार्य उस पर करना पड़ता है। अगर हम उस पर किए गए कार्य को कैलकुलेट कर लें, तो वो कार्य ही जो हम अपनी बॉडी से खर्च करेंगे एनर्जी, वर्क करेंगे डायपोल पर, वो वर्क ही उस डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अगर डायपोल की इस स्थिति में आपको उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो आप ये पता लगाइए कि डायपोल इस स्थिति में आपने जब उसको रखा, इस स्थिति में आप जब उसको लाए, तो आपको कितना कार्य करना पड़ा। क्योंकि आपको जितना भी वर्क करना पड़ा होगा, वो वर्क ही डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी मींस स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो गया होगा। तो ठीक है, हमारा मेन प्लान क्या है, हमारा मेन वर्क क्या होगा आज का? हमारे प्लानिंग ये है, हमारा मेन आज का टास्क ये है कि आप बस इतना पता लगा लो कि डायपोल जिस कंडीशन में इस समय रखा है, विच इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इस कंडीशन में उसको लाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा। अगर आपने यह पता लगा लिया, तो आपको जितना भी काम करना पड़ा होगा, 2 जूल, 10 जूल, 50 जूल, जितना भी आपको वर्क करना पड़ा होगा, वो वर्क ही डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा, और वही इस डायपोल की एनर्जी होगी इन दिस कंडीशन। ओके, ये कैसे करेंगे हम?
अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि इस कंडीशन में लाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ा। इससे पहले हमारा एक सवाल है कि हम इसको इस कंडीशन में लाए कहां से हैं, इसको इस कंडीशन में लाए कहां से हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, हम इसको इस कंडीशन में वहां से लाए हैं जहां पर दोनों चार्जेस पर लगने वाला फोर्स जीरो था। दोनों चार्जेस पर एक भी फोर्स नहीं लग रहा था, इन चार्जेस पर लगने वाला फोर्स जीरो था, हम वहां से इसको लाए हैं। और इसके लिए बेटा बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल है, जैसे अगर ये कोई भी एक सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को लाकर मैं सरफेस पर इतनी हाइट पर रख देता हूं, इतनी हाइट पर मैंने रखा। अब आप आए, मैंने पूछा कि बताओ इसके पास एनर्जी है या नहीं है, तो आपने अपना पुराना नॉलेज लगाया और मुझे बताया कि सर क्योंकि ये अर्थ से कुछ हाइट पर है इसलिए इसके पास mgh एनर्जी है। ठीक है, इसके पास आपने बताया मुझे mgh एनर्जी है, आपने m इसका मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, अर्थ से हाइट। क्यों ली आपने अर्थ से हाइट, आपने पृथ्वी तल से ऊंचाई ली ना इसकी, क्यों पृथ्वी तल से ऊंचाई ली, क्योंकि आपके भी मन में था कि पृथ्वी तल पर इसको रखेंगे तो इसकी एनर्जी जीरो मानी जाती है, आपके भी मन में था। तो आपने काउंट करना कहां से शुरू किया, अर्थ से काउंट करना शुरू किया ना, और क्यों अर्थ से काउंट करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता था कि जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर है तो इसकी एनर्जी जीरो मानी जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। तो जिस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है, इसकी एनर्जी का कैलकुलेशन भी आपने वहां से किया है। तो वही चीज आज मैं कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यह डाइपोल बनाने के लिए मैं इन चार्जेस को उस जगह से लाना चाहता हूं जिस जगह पर इन चार्जेस पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि आपने भी तो वही किया, आपने भी mgh फॉर्मूला क्यों बताया, आपने mgh फॉर्मूले में h जो हाइट थी उसको अर्थ से हाइट ली, आपने हाइट अर्थ से क्यों ली, क्योंकि आपको पता था कि अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं, इसलिए आपने अर्थ से हाइट ली थी। तो उस कंडीशन से आपने हाइट ली, उस कंडीशन से आपने गिनना शुरू किया, काउंट करना शुरू किया, जहां पर इसके पास एनर्जी जीरो थी, जहां पर इसके पास कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो आज मैं भी वही करना चाहता हूं, डायपोल को इस कंडीशन में बनाने के लिए, इस कंडीशन में डायपोल के फॉर्मेशन के लिए मैं चार्जेस को उस जगह से लाना चाहता हूं, उस स्थिति से लाना चाहता हूं बेटा जहां पर दोनों चार्जेस पर लगने वाला फोर्स जीरो है। ठीक है, तो अब कोशिश ये करिए, सोचिए कि चार्ज पर लगने वाला फोर्स कहां जीरो होता है। थोड़ा ध्यान से देखें, चार्ज पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। अब चार्ज पर लगने वाला फोर्स जीरो कहां होगा, तो बेटा चार्ज पर लगने वाला फोर्स वहां जीरो होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, सोचिए, लास्ट क्लासेस में एक लेक्चर में आपको बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1/4πε0k q/r2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ही जीरो ले लेता हूं, ये कूलॉम्स कांस्टेंट है इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहां लाइए, जीरो यहां ले जाइए, आर विल बिकम इंफिनिटी। इट मींस कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर जीरो होगा, और अगर अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो अनंत पर चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा। तो हमने वो स्थिति ढूंढ ली जहां से मुझे चार्जेस को लाना है और ये डायपोल बनाना है। कहां से लाएंगे, इस वाले केस में हम कहां से लाए थे, जहां पर इस पर लगने वाला फोर्स जीरो था।
इस वाले केस में भी हम चार्जेस कहां से लाएंगे, जहां पर चार्जेस पर लगने वाला फोर्स जीरो था। कहां पर जीरो था चार्जेस पर लगने वाला फोर्स? आंसर है अनंत पर चार्जेस पर लगने वाला फोर्स जीरो था। तो आप दोनों चार्जेस कहां से लेकर आएंगे? इंफिनिटी से लेकर आएंगे, क्योंकि वहीं पर दोनों चार्जेस पर लगने वाला फोर्स जीरो है। और वहां से लेकर आएंगे, इसको फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, और इसको बनाने में जितना वर्क मुझे करना पड़ेगा वही वर्क इस डायपोल की स्थिति ऊर्जा के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगा। तो चलते हैं इन चार्जेस को इंफिनिटी से लाकर डायपोल बनाने के लिए। ओके, देखिए, और उससे भी पहले मैं इसका आर्टिकल कर देता हूं, एनर्जी इन डायपोल, एनर्जी इन डायपोल। द्विध्रुव की ऊर्जा तो अनंत से मुझे लाना है बेटा, तो मैंने मान लिया कि यहां बहुत दूर, ऐसा यहां पर बहुत दूर में ये इंफिनिटी वाली जगह है, और इस इंफिनिटी वाली जगह से ही हम प्लस क्यू चार्ज भी लाएंगे, हम माइनस क्यू चार्ज भी लाएंगे, क्योंकि डायपोल को बनाने के लिए हमें प्लस क्यू चार्ज भी चाहिए और माइनस क्यू चार्ज भी चाहिए, और उनके बीच 2L डिस्टेंस भी चाहिए। देयर शुड बी अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो मैं दोनों चार्जेस को यहां से लाना स्टार्ट करूंगा। देखिए गौर से, यहां पर इंफिनिटी पर हर चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी जीरो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। याद रखें, यहां पर एक, यहां से एक प्लस चार्ज को मैं ऐसे लाऊंगा। जरा इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको सभी बच्चे बहुत गौर से सुनेंगे। यहां पर मैंने एक प्लस चार्ज लिया और प्लस चार्ज को मैं ऐसा यहां तक लाऊंगा। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। मिड पॉइंट एम होता है, बट उसकी जरूरत आज हमको नहीं है तो हम नहीं मान रहे हैं। तो प्लस क्यू चार्ज कहां पर है? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को हम यहां पर लाना चाहते हैं। जरा गौर से देखें सभी बच्चे, प्लस क्यू चार्ज जब यहां पर होगा इंफिनिटी पर, तो इस पर लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो हैं, लेकिन जैसे ही इंफिनिटी से अंदर चलेंगे हम, तुरंत इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और बेटा याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, इसलिए धन आवेश पर जो बल लगेगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो इधर की तरफ लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अलोंग फोर्स लगाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को अपनी तरफ धक्का देगा, ऐसे फोर्स लगाएगा इस पर, इस दिशा में। अब अगर इस दिशा में फोर्स लगाएगा तो इस चार्ज को मैं फोर्स लगाऊंगा इधर से, और धीरे धीरे इसको यहां पर लाऊंगा विदाउट एक्सीलरेशन। इसको मैं यहां से धीरे धीरे ऐसा लाऊंगा। अब आप सभी बच्चे देखें, चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को उधर की ओर धक्का दे रहा है, मुझे उस चार्ज को इधर लाने के लिए किधर की तरफ बल लगाना पड़ेगा? सोचिए, मुझे फोर्स किस तरफ अप्लाई करना पड़ेगा? तो मुझे जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो मुझे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बल लगा रहा है तो मुझे इस तरफ बल लगाना पड़ेगा, ऐसा इसके अपोजिट। ऐसे बल लगाएंगे इधर की तरफ और विस्थापन भी करेंगे। तो हमने इस चार्ज पर ऐसा बल लगाया इधर की तरफ और विस्थापन भी करते जा रहे हैं, बल लगाया विस्थापन भी करते जा रहे हैं। और बेटा आप देखिए, हम बल भी इधर लगा रहे हैं, विस्थापन भी इधर कर रहे हैं, और धीरे धीरे लाते लाते हम इसको कहां तक लाए? हम इसको लाए बिंदु बी तक। फिर से मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स किधर की तरफ होगा? तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इधर की तरफ है। चार्ज चल किस तरफ रहा है? इधर की तरफ चल रहा है। मेरे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, उसका विस्थापन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही एक ही दिशा में हैं। तो बेटा अगर दोनों एक ही दिशा में हैं, तो मेरे द्वारा किया गया वर्क भी कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। यहां तक लाए, लाते 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 लाते
और आकर के हमने इसको बिंदु B पर रख दिया। अब अगर मैंने इसको बिंदु B पर रख दिया तो इस काम में इसके लिए मुझे कोई वर्क करना पड़ा होगा, मेरी बॉडी से तो एनर्जी खर्च हो गई ना, तो मुझे तो कुछ काम करना पड़ा ना। वो जो कार्य मैंने किया, कहां चली गई मेरी एनर्जी, कहां चला गया मेरे द्वारा किया गया कार्य? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से एनर्जी तो वेस्ट नहीं हो सकती, एनर्जी बर्बाद नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो कहां गया मेरा वो कार्य, कहां गई मेरी एनर्जी जो मैंने इस चार्ज को अनंत से यहां तक लाने में खर्च कर दिया? तो आंसर है वो एनर्जी इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एकत्र हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इकट्ठी हो गई। कितना एनर्जी इकट्ठी हो गई? तो मान लेते हैं हमने माना कि प्लस चार्ज को पॉइंट बी तक लाने में हमने जो एनर्जी खर्च की, हमने जो वर्क किया, उससे प्लस चार्ज के पास उतनी ही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ गई, और वो मैंने मान ली कितनी एनर्जी है, प्लस ई वन एनर्जी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई से लिखते हैं, इसलिए ई वन हम यहां नहीं लिखते। पोटेंशियल एनर्जी है तो हम इसे यू वन लिखे ले रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा को आप यू से लिखते हैं ना, इसलिए हम इसको यू वन लिखे ले रहे हैं। ये एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव, मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इधर की तरफ, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो द एनर्जी एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और इस प्लस चार्ज को अनंत से बिंदु बी तक लाने में इतनी एनर्जी हमने खर्च की, वही इस चार्ज की स्थिति ऊर्जा के रूप में इसको मिल गई होगी। ओके, इतना वर्क मुझे करना पड़ा। ठीक, अब नेगेटिव चार्ज को भी तो वहां से यहां तक लाना है मुझे, तो अब मैं यहां से नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं इंफिनिटी से। नेगेटिव चार्ज पर भी इंफिनिटी पर फोर्स जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट इंफिनिटी। अब यहां से मैं इलेक्ट्रिक एक नेगेटिव चार्ज पकड़ता हूं, इसको भी मैं यहां पर लाता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाता है? क्या मेरे सभी बच्चों को यह बात याद है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज पर किस दिशा में बल लगाता है? तो आप सभी बताएंगे मुझे कि नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है, अपनी अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इस नेगेटिव चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? तो आंसर इस नेगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा। मींस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा था बेटा? यही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। तो मुझे उस पर बल भी इधर की तरफ लगाना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ करना पड़ा, और वहां से बी तक लाने मैंने यू वन वर्क किया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो वर्क पॉजिटिव था। अब बारी नेगेटिव चार्ज की है, नेगेटिव चार्ज को भी यहां से लाने में, अनंत से लाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज को मैं लाना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अपनी ओर पहले से ही आकर्षित कर रहा है। तो अगर बेटा मैं इस नेगेटिव चार्ज को छोड़ दूंगा, सभी गौर से देखें, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को छोड़ दूंगा तो मुझे बिना कुछ किए ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा इधर। समझ आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो अगर मैंने उसको फ्रीली छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम उसको लाना चाहते हैं, उसके लिए इस बार आप मुझे बताइए मुझे किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर तो वो अपने आप आना चाहता है, छोड़ दूंगा तो वो अपने आप दौड़ के आ जाएगा यहां पर। मैं क्या चाहता हूं कि मैं उसे लाऊं धीरे धीरे, विदाउट एक्सीलरेशन, बिना त्वरण के मैं उसको लाना चाहता हूं। तो मुझे किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा? तो बेटा चार्ज क्योंकि इधर आना चाहता है, मुझे इस पर इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर की तरफ। इधर की तरफ मुझे फोर्स लगाना है, ऐसे मुझे फोर्स लगाना है, और धीरे धीरे
ऐसे डिस्प्लेसमेंट मुझे करना है ताकि इसके मोशन में एक्सेलरेशन क्रिएट ना हो। अगर मैं छोड़ दूंगा तो स्पीड बढ़ते जाएगी और त्वरण उसकी गति में आ जाएगा। इसलिए इस चार्ज को रोकने के लिए कि ये त्वरित गति से मत चले, मुझे इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा, इधर की तरफ मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स मैं लगाऊंगा इधर की तरफ, लेकिन चार्ज को धीरे धीरे विस्थापित तो मैं इधर की तरफ करूंगा, तो फोर्स लगाना पड़ रहा है मुझे उधर, विस्थापन कर रहा हूं मैं इधर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शंस देखिए, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अपोजिट में 180 डिग्री का एंगल होगा और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो सब्जेक्ट होगा, एक्सटर्नल जो करता होगा आपका बाय, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो इधर की तरफ भागेगा आकर्षण की वजह से, फोर्स मैं इस तरफ लगाऊंगा लेकिन डिस्प्लेस मैं ऐसे करते जाऊंगा। तो अनंत से नेगेटिव चार्ज को यहां तक लाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ा। बेटा इस बार वो कार्य कैसा है, नेगेटिव, समझ में आया? मैं फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि फोर्स मैं इस तरफ लगाऊंगा उस पर, ऐसा मैं दबा के रखूंगा उसे और धीरे धीरे विस्थापित मैं ऐसे करके लाऊंगा। तो मेरा बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है, वर्क निगेटिव करना पड़ेगा। तो अनंत से निगेटिव चार्ज को बिंदु बी तक, अभी हम आगे नहीं ले गए, बिंदु बी तक लाने में हमें, मान लिया हमें कार्य करना पड़ा यू वन। आप ये सोचेंगे प्लस चार्ज को लाए थे तो भी यू वन, माइनस चार्ज को लाए हैं तो भी यू वन। निगेटिव क्यों लगा? क्योंकि वर्क निगेटिव है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों बेटा विपरीत दिशा में है, लेकिन यू वन क्यों? यू वन तो प्लस चार्ज को यहां तक लाने में किया गया कार्य था, तो निगेटिव चार्ज को यहां तक लाने में किया गया कार्य भी क्या यू वन होगा? तो बेटा ये बड़ी सिंपल सी चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए वही है, चार्ज की क्वांटिटी दोनों की सेम है, एक प्लस और एक माइनस है लेकिन चार्ज की मात्रा दोनों के लिए सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, चार्ज वही है, इसलिए दोनों पर लगने वाला फोर्स भी वही होगा। फोर्स वही है और यहां अनंत से बिंदु बी तक का डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम है, दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, इसलिए दोनों पर किया गया वर्क भी सेम होगा। बिल्कुल, अगर दोनों पर किया गया कार्य सेम होगा, एक जैसा होगा, तो उस सिचुएशन पे मैं इसको भी यू वन और इसको भी यू वन मान सकता हूं। ठीक है, क्या मैंने बताया, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही, दोनों का चार्ज की क्वांटिटी सेम, इसलिए दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम, अनंत से बिंदु की, बिंदु बी तक की दूरी दोनों के लिए वही, इसलिए वर्क दोनों पर किया गया सेम रहेगा। तो हम नेगेटिव चार्ज को अनंत से बिंदु बी तक ले आए हैं, लेकिन अभी डाइपोल बना नहीं। डाइपोल तो तब बनेगा जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होंगे, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे। लेकिन दोनों को, प्लस को भी मैं बी तक लाया, माइनस को भी मैं बी तक लाया, इसलिए अभी डायपोल नहीं बना, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर अभी हैं। डायपोल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव चार्ज को मुझे और चलाना पड़ेगा। कितनी दूर चलाना पड़ेगा बेटा आपको? बी से ए तक, अर्थात ये 2L दूरी आपको और चला के यहां लाना पड़ेगा। प्लस को बी पर रख दिया है, माइनस को और जब यहां तक चला के ले आएंगे और वो ए पर आ जाएगा तो डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इतना सा हमको करना है। तो डायपोल, अब नेगेटिव चार्ज जो कि अभी यहां तक आ चुका है, जिस पर हमने माइनस यू वन वर्क भी कर लिया है, अब इसको हम और 2L डिस्टेंस यहां तक चला के लाना चाहते हैं। तो बिंदु बी से ए तक लाने में भी नेगेटिव चार्ज को, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में भी तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा? तो बेटा बिकॉज दिस इज द लीनियर मोशन, कार्य का सूत्र हम लगा सकते हैं बल गुणे विस्थापन, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बल कितना लगेगा? बल तो
एफ बराबर क्यू ई लगेगा, और यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है 2L, तो बल गुणे विस्थापन कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य भी मिल जाएगा। समझ आया आपको? अब प्लस चार्ज को अनंत से यहां तक लाने में हमने वर्क किया प्लस यू वन, माइनस चार्ज को अनंत से बिंदु बी तक लाने में वर्क किया माइनस यू वन, लेकिन डायपोल बना नहीं, माइनस चार्ज को और ए तक लाना पड़ा मुझे, उसमें मैंने वर्क कितना किया वो मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लूंगा। और इसके बाद अब तो डायपोल भी बन गया क्योंकि निगेटिव चार्ज ए पर आ गया, पॉजिटिव यहां पर आ गया। उसके बाद में सारे वर्क जितने मैंने किए हैं सबको आपस में मैं ऐड कर दूंगा, सबको मैं जोड़ दूंगा, तो मुझे यह पता चल जाएगा कि डायपोल को पूरी तरह से बनाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। और वो जो वर्क आएगा, क्योंकि वो डायपोल को बनाने में मुझे करना पड़ा, इसलिए वही वर्क डायपोल की ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें एकत्र हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा हम इसको थोड़ी सी लिखावट कर लेते हैं। यहां पर एनर्जी इन डायपोल ये हमको करना है। अब इसकी हम थोड़ा सा जो भी हमने यहां पर किया मैं उसको नोट कर लेता हूं। ठीक है, क्या मैं लिखूंगा, प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कुल कार्य, प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कुल कार्य, ये हमने कितना किया प्लस यू वन माना, तथा माइनस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कुल कार्य। देखें बेटा, नेगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से बिंदु बी तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना था माइनस यू वन। दोनों ही यू वन क्यों है आपको बताया जा चुका, क्योंकि दोनों के लिए ई सेम है, दोनों का चार्ज की क्वांटिटी सेम है, इसलिए एफ दोनों के लिए सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अनंत से दोनों को बी तक लाए तो दोनों का विस्थापन भी सेम है, इसलिए दोनों पर किया गया कार्य भी सेम होगा। बस फर्क यह होगा कि यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसमें बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में मुझे लगाने पड़े, लेकिन इसमें बल मुझे लगाना पड़ा इस तरफ और विस्थापन मैं ऐसे इस तरफ कर रहा था, दोनों विपरीत दिशा की वजह से नेगेटिव आ गया। अब लेकिन जब प्लस यहां पर आया माइनस यहां पर आया तो क्या डायपोल बना, आंसर डायपोल नहीं बना, डायपोल बनाने के लिए मुझे इस नेगेटिव चार्ज को ए डिस्टेंस तक और लाना पड़ेगा, यहां तक मुझे इसको और अभी लाना पड़ेगा। तो अब माइनस क्यू आवेश को, माइनस क्यू आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, हम बी से और ए तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन, बल कितना रहेगा, नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स नेगेटिव क्यू ई, नेगेटिव आकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है, इस पर लगने वाला फोर्स प्लस क्यू ई, तो नेगेटिव
जो साइन है फोर्स में वो आकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव साइन प्रतिकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि नेगेटिव आवेश पर किया गया कार्य निकालना है, तो नेगेटिव आवेश पर बल कितना है, बल है माइनस क्यू इंटू ई, और बी से ए तक कितना विस्थापित किया है मैंने, चित्र में आप देख सकते हैं 2L डिस्टेंस में डिस्प्लेस किया है मैंने इसको। अब ध्यान से थोड़ा देखें, ये जो Q इंटू 2L आप देख रहे हैं, Q इंटू 2L बेटा आप सभी इसको पहचानने लगे हैं, Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने लिखा माइनस Q इंटू 2L की जगह मैंने ले लिया P और इसको मैंने लिख दिया E, तो इतना वर्क आ गया ये, और इस तरह से डायपोल बन गया। देखिए प्लस यहां रख दिया ला के इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से ला के नेगेटिव यहां रख दिया, इनके बीच थोड़ी सी फिक्स डिस्टेंस आ गई तो डायपोल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन पूरा डायपोल बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसलिए विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कुल कार्य, किया गया नेट कार्य कितना होगा, नेट कार्य तो बेटा डाइपोल में प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, तो आप देखिए कि प्लस पर कितना वर्क किया माइनस पर कितना वर्क किया और सभी वर्क्स को आपस में ऐड कर दीजिए तो आपको नेटवर्क मिल जाएगा। प्लस पर कितना करना पड़ा था, प्लस यू वन प्लस, माइनस पर कितना करना पड़ा, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में माइनस यू वन और बी से ए तक ले जाने में माइनस पी ई, माइनस पी ई। अब सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो नेटवर्क मुझे मिल जाएगा विद्युत द्विध्रुव पर किया गया। बेटा गौर से देखें, प्लस यू वन और माइनस यू वन दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे, अगर ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे तो केवल ये टर्म बचेगी जो कि माइनस पीई है, और यही विद्युत द्विध्रुव पर किया गया नेट कार्य है। तो डायपोल को इस स्थिति में लाने के लिए मुझे इतना वर्क उस पर करना पड़ा, और हमने स्टार्टिंग में याद कीजिए हमने डिसाइड किया था कि डायपोल को इस अवस्था में लाने के लिए जितना कार्य हमको करना पड़ेगा वो कार्य ही डायपोल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, तो यही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, यही विद्युत द्विध्रुव में एकत्र स्थितिज ऊर्जा होगी। इसलिए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई। तो आप याद रखें कि डायपोल जब अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, अपनी स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा माइनस पी इंटू ई के बराबर होती है। ये उसकी सबसे मिनिमम एनर्जी है क्योंकि ये उसका मिनिमम एनर्जी की कंडीशन है, इस स्थिति में उसको रहना सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए ये उसकी सबसे कम ऊर्जा वाली स्थिति होगी, और उसकी सबसे कम ऊर्जा कितनी है, माइनस पी इंटू ई। बेटा एक चीज मैं और यहां पर देख सकता हूं कि डायपोल की सबसे कम ऊर्जा, डायपोल की जो मिनिमम एनर्जी है क्या वो जीरो है या वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है, तो आप देख रहे हैं डायपोल की जो ऊर्जा है सबसे कम ऊर्जा है, मिनिमम एनर्जी है, वो नेगेटिव आ रही है, वो जीरो नहीं है, जीरो से भी कम है। तो जिस समय डायपोल अपनी स्थायी संतुलन की अवस्था में होता है
उस समय डाइपोल की मिनिमम एनर्जी होती है और वो एनर्जी नेगेटिव होती है, जीरो नहीं होती, जीरो से भी कम होती है। ओके, एक चीज और मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं बेटा, पी किस प्रकार की क्वांटिटी है? सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो स्थितिज ऊर्जा तो अदिश राशि है। अब सोचकर मुझे बताइए, दो सदिश राशियों का गुणा करने से एक अदिश राशि मिल रही है, दो सदिश राशियों के मल्टीप्लीकेशन से एक अदिश राशि मिलती है, यह कौन से मल्टीप्लीकेशन में होता था और यह कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? तो आपको याद आ गया होगा, यह डॉट प्रोडक्ट में होता है, इसलिए यह डॉट प्रोडक्ट है। मैं लिख सकता हूं विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा, मैं यू से लिखे लेता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। ये इसका फॉर्मूला बनेगा, विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का यह सूत्र रहेगा, यही विद्युत ध्रुव में एकत्र स्थिति ऊर्जा होगी, इसलिए विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। ये स्केलर है इसलिए इसके ऊपर हमने वेक्टर नहीं बिठाया। सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द डायपोल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, ये सबसे कम एनर्जी है उसकी, क्योंकि इस कंडीशन में रहना डायपोल को सबसे ज्यादा पसंद है। इस तरीके से हमने उसकी एनर्जी देखिए फाइंड कर लिया। अब हम इसकी कुछ कंडीशंस देखना चाहते हैं। अब बाय चांस अगर मैंने डायपोल का ऐसा रखा और रखने के बाद डायपोल को हमने ऐसा घुमा भी दिया, तो उसको घुमाने में भी तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब रखा है केवल तो उसके पास एनर्जी माइनस पीई, और रखने के बाद जब मैं उसे घुमाऊंगा तो घुमाने में भी मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य भी डायपोल में जुड़ते जाएगा, उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ते चली जाएगी। तो अगर आपने डायपोल को ऐसे रख के घुमाना शुरू कर दिया तो आपको कुछ काम करना पड़ रहा है घुमाने में, घुमाने में जो काम कर रहे हैं वो भी डायपोल के अंदर स्टोर होते चला जाएगा, जिससे डायपोल की ऊर्जा और बढ़ते चली जाएगी। तो डिफरेंट कंडीशंस में डायपोल की एनर्जी क्या होगी ये हम पाना चाहते हैं, तो चलते हैं उसकी कंडीशन भी निकालते हैं। तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अब मैं यहां से इस पूरे आर्टिकल को इरेज कर दूंगा। अब हम देखना चाहते हैं इसकी डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगी, इसकी डिफरेंट कंडीशंस उनको मैं देखना चाहता हूं। देखिए एनर्जी ऑफ डाइपोल इन डिफरेंट पोजिशंस, अलग अलग तरह की पोजिशन में डाइपोल की एनर्जी क्या होती है यह हम देखना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट आपको बना के दिखाऊंगा, एंड दैट चार्ट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ये समझने में कि आखिरकार डायपोल की अलग अलग परिस्थितियों में टोटल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये आपको समझने में वो बहुत मदद करेगा आपकी। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम में पोजीशन लिखूंगा डायपोल की, पोजीशन ऑफ डायपोल। दूसरे कॉलम में मैं नोट करूंगा एनर्जी ऑफ डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द कंडीशन ऑफ in the condition of stable equilibrium, stable equilibrium means along E। इसके बाद यहां पर लिखूंगा
वर्क डन ऑन डायपोल ड्यूरिंग रोटेशन मीन्स डायपोल को जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से घुमाएंगे तो उस पर किया गया कार्य वर्क डन ऑन डायपोल ड्यूरिंग रोटेशन, ये नोट करूंगा और सबसे बाद में मैं नोट करूंगा नेट एनर्जी ऑफ डायपोल। नेट एनर्जी ऑफ डायपोल ये मैं यहां पर नोट करूंगा। तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट में मैं इतनी सारी चीजें आपको लिख के दिखाऊंगा। यहां पर डायपोल की डिफरेंट पोजीशंस मैं लूंगा, हर पोजीशन के सामने डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में उसके पास कितनी एनर्जी होती है वो मैं लिखूंगा, फिर उसको घुमाने में मैंने कितना वर्क किया वो मैं लिखूंगा, और क्योंकि वो वर्क उसमें जुड़ जाएगा उसकी एनर्जी में, इसके बाद में उसकी नेट एनर्जी लिख दूंगा। तो ध्यान से देखें, सबसे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल भी ऐसे ही रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मैं इतनी सारी चीजें नहीं बनाता हूं, मैं केवल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि डायपोल कैसे रखा हुआ है। इसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, आप सभी पहचानते हैं। सेकेंड कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैंने बनाया, डायपोल इसमें जो रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, मींस यहां पर जो आप थीटा देख रहे हैं दैट विल बी 90 डिग्री। सो एट कंडीशन टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इन द कंडीशन वन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, थर्ड पोजिशन, थर्ड पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वही है तो डायपोल मूवमेंट किस तरफ होगा, डायपोल मूवमेंट हम ऐसा मान लेते हैं ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। इस बार दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री का है। ओके, कंडीशन नंबर फोर, कंडीशन नंबर फोर, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड डायपोल मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायपोल मूवमेंट एंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट इज 270 डिग्री, हियर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। सो दीज आर द फोर्थ कंडीशंस जहां पर बार बार मुझे ये सारी चीजें चेक करनी है। बेटा आप याद करिए अपना पुराना नॉलेज कि एनर्जी ऑफ डायपोल इन कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस अलोंग ई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डायपोल की एनर्जी, अभी अभी बेटा हम कैलकुलेट करके आए हैं कितनी एनर्जी निकली थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो वो एनर्जी आई थी माइनस पीई, तो वो तो बेटा सबके लिए वही होगी, माइनस पीई माइनस पीई माइनस पीई, क्योंकि मुझे हर डायपोल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एनर्जी लिखनी है और वो तो सबकी सेम होगी, वो तो अलग अलग नहीं होगी ना किसी की, सबके लिए सेम। वर्क डन ऑन डायपोल ड्यूरिंग रोटेशन, डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर जब उसे घुमाते हैं तो हमें कितना काम करना पड़ता है, याद करें इस कंडीशन में जब है तो हमने उसको अभी नहीं घुमाया इसलिए हमारा टोटल वर्क डन कितना होगा 0, अभी हमने काम ही नहीं किया उस पर, वो तो ऐसे ही लॉन्ग ई रखा हुआ है, अभी तो हमने घुमाया ही नहीं, तो उस पर टोटल वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशन हुआ ही नहीं तो वर्क डन 0। अगर बेटा वर्क डन 0 है ठीक इस कंडीशन में, देखिए क्या आपको याद है लास्ट लेक्चर में आपको यह बताया गया कि डायपोल को ई की दिशा से 90 डिग्री जब ऐसा रोटेट करते हैं तो उस पर घुमाने में हमको कितना कार्य करना पड़ता है, लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बनाया था और एक कंडीशन भी बताई थी, आपको याद होगा हमको वर्क करना पड़ता है पी इंटू ई। ओके, थर्ड कंडीशन में आइए, घुमा करके 180 डिग्री पर इसको ले आए तो 0 से
180 डिग्री पर ले आए, कितना वर्क करना पड़ता है घुमाने में, केवल 2PE। हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। 2PE रोटेट करने में मुझे खर्च करना पड़ा। इसके बाद 270 डिग्री पे आई है, 270 डिग्री पे हमको कितना वर्क करना पड़ा, तो 270 डिग्री तक घुमाने में मुझे वर्क करना पड़ा था PE। ये सारे कैलकुलेशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। नाउ दिस इज द चांस टू फाइंड आउट द नेट एनर्जी ऑफ द डायपोल इन डिफरेंट पोजीशंस। ओके, इस पोजीशन में बेटा मुझे बताइए, डायपोल जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में था तो इतनी एनर्जी तो उसके पास थी ही पहले से ही। अब घुमाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई मेरी, जीरो, क्योंकि अभी मैंने घुमाया ही नहीं इस पोजीशन में। इसलिए नेट एनर्जी डायपोल की कितनी एनर्जी, डायपोल की नेट एनर्जी माइनस पीई। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो माइनस पीई एनर्जी आ गई। ओके, अब इस कंडीशन में जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, उस समय उसकी नेट एनर्जी कितनी, तो स्थायी संतुलन की अवस्था में इतनी ऊर्जा उसके पास पहले से ही थी। जब आपने उसको 90 डिग्री घुमाया, इतना वर्क आपको उस पर करना पड़ा, यह भी जाके डाइपोल में ही जुड़ जाएगी, तो यह एनर्जी थी पहले से और इतना वर्क उसमें करना पड़ गया, यह भी एनर्जी जाके उसमें जुड़ गई, तो यह एनर्जी और यह एनर्जी जुड़ी तो दोनों ने मिला के क्या बना दिया, जीरो एनर्जी। इट मींस जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, उसकी नेट एनर्जी जीरो होती है। याद रखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। और आगे चलते हैं, जब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके नेट एनर्जी कितनी होगी। देखिए बेटा, माइनस पीई एनर्जी तो उसके पास उस समय थी जब डायपोल ऐसे रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। अब हमने इसको घुमाया 180 डिग्री, 2PE मुझे वर्क और करना पड़ गया, तो वो 2PE वर्क भी इसके पास ऊर्जा में जुड़ जाएगा जाकर के, तो इसकी ऊर्जा पहले माइनस पीई थी, 2PE एनर्जी भी इसमें जुड़ जाएगी, तो दोनों जुड़ेंगी तो कितना बना लेंगे, जुड़ करके दोनों बना लेंगी पीई एनर्जी बना लेंगे दोनों। तो अब इस कंडीशन में जब डायपोल होता है तो उसकी एनर्जी पी इंटू ई के बराबर रहती है। ओके, इस कंडीशन में डायपोल की एनर्जी कितनी होगी आप देखिए, तो स्थायी संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में माइनस पीई एनर्जी उसके पास ऑलरेडी थी, उसको जब मैंने ऐसे घुमाया 270 डिग्री तक, मुझे कितना वर्क करना पड़ा, मुझे पीई वर्क करना पड़ा, यह उसके पास पहले से ही थी, घुमाने में इतना मुझे और करना पड़ गया, तो यह भी जाके उसकी एनर्जी में ऐड हो गया। अब एनर्जी में ऐड हो गया तो माइनस पीई प्लस पीई जुड़ेगा तो बेटा कितनी एनर्जी दे देगा, जीरो एनर्जी दे देगा, शून्य एनर्जी दे देगा। तो ये बेटा एक छोटा सा चार्ट मैंने बना दिया है आपके लिए, जो आपको शो करता है कि डिफरेंट पोजीशंस में जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, अलग अलग स्थितियों में जब डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डायपोल की उन स्थितियों में एनर्जी कितनी होती है। आप इस पूरे चार्ट को आप गौर से देखिए और मुझे बताइए कि डायपोल की मिनिमम एनर्जी कितनी होती है और किस पोजीशन में होती है। क्या डायपोल की मिनिमम एनर्जी जीरो है या माइनस पीई है, तो मैं आपको बता देता हूं कि डायपोल की मिनिमम एनर्जी माइनस पीई है। यह एनर्जी डायपोल की मिनिमम एनर्जी है और यह एनर्जी डायपोल की मैक्सिमम एनर्जी है। सो प्लीज रिमेंबर कि डायपोल की एनर्जी मिनिमम, देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आप मुझे उनके आंसर बताएंगे कि डायपोल की एनर्जी मिनिमम कितनी होती है, कितनी, आंसर होगा माइनस पीई। किस स्थिति में होती है, आंसर है जब वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है तब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है और वो मिनिमम एनर्जी माइनस पीई होती है। ओके,
क्या डाइपोल की मिनिमम एनर्जी जीरो होती है? आंसर इज नो, डाइपोल की मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं होती। सभी बच्चों को याद रखना है कि जीरो एनर्जी डाइपोल की मिनिमम एनर्जी नहीं है, मिनिमम एनर्जी माइनस पीई है। ओके, तो डाइपोल की एनर्जी जीरो कब होती है? आंसर है, डाइपोल की एनर्जी जीरो तब होती है जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लंबवत होता है, चाहे वो ऐसे लंबवत हो या वो ऐसे लंबवत हो, उस समय डाइपोल की एनर्जी जीरो रहती है। ठीक, डाइपोल की एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? तो आंसर है, डाइपोल की एनर्जी मैक्सिमम पी इंटू ई के बराबर होती है। ओके, तो डाइपोल की एनर्जी उसके पास जो मैक्सिमम होती है वो किस पोजीशन में होती है? तो आंसर है, वो उस समय होती है जब डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सॉरी, उस समय डाइपोल की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है। तो डाइपोल की मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं है, डाइपोल की मिनिमम एनर्जी माइनस पीई है। आप सभी बच्चों को यह बात पक्के से अच्छे से आपको याद रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। आज आपने कैलकुलेट किया कि डाइपोल की एनर्जी कितनी होती है जब वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, माइनस पीई एनर्जी होती है। इसके बाद आपने कैलकुलेट किया अगर अलग अलग पोजिशंस में हम डाइपोल को रखें तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, वो भी आपने कैलकुलेट किया। तो आज का हमारा ये आर्टिकल यहीं पर खत्म होता है, आज का अपना ये टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसके आगे का जो आर्टिकल होगा, इसके आगे का जो टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसके आगे का फिलहाल ये लेसन लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका, डायपोल से जुड़ी सारी चीज खत्म हो चुकी है, ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे की और भी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो अब हम सीधे लेसन नंबर 2 पे आ जाएंगे, नेक्स्ट लेसन पर पढ़ेंगे, जिसमें हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने को मिलेगा। एंड दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।